हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें बीटा फंक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज इंटीग्रल कैलकुलस का 22nd लेक्चर है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to ∞ एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डीएक्स, और सेकंड रिलेशन है इंटीग्रल 0 to ∞ एक्स टू द पावर एम माइनस 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डीएक्स। तो चलो हम इसको प्रूफ करेंगे। ये एक्चुअली बीटा फंक्शन का एक स्टैंडर्ड रिलेशन भी है जो इसके पहले हमने बीटा फंक्शन के फार्मूलेज वाले वीडियो में बताए थे। उसमें हमने आपको कहा था कि आगे चल के हम इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखिए, आज हम ये रिलेशन को प्रूफ करेंगे कि ये कैसे प्रूफ होता है। तो देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, और राइट हैंड साइड में यहां पे दो इंटीग्रल है। तो हम पहला इंटीग्रल पूरी तरह से प्रूफ करेंगे, सेकंड इंटीग्रल उसी से आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रूफ करना। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करने के लिए आपको बीटा फंक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला पता होना चाहिए। उससे आप आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं। तो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, देखो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा है, दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डीएक्स। देखो, ये है बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला। हम इसका यूज यहां पे करने वाले हैं इसको प्रूफ करने के लिए। लेकिन ये जो फार्मूला है ये इन द फॉर्म ऑफ एक्स है। देखो, यहां पे हर जगह एक्स है, लेकिन हम इसको सॉल्व करते समय एक्स के जगह फिलहाल दूसरा वेरिएबल ले लेंगे एज ए टी। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन डेफिनेशन का हम यूज करने वाले हैं, वही फार्मूला हम यहां पे लिख लेंगे, दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, लेकिन हम दूसरा वेरिएबल यहां पे यूज करने वाले हैं इंटीग्रल 0 to 1 देन टी टू द पावर एम माइनस 1, ठीक है, इंटू 1 माइनस टी टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी टी, ठीक है। तो ये हमने इन द फॉर्म ऑफ टी यहां पे लिखे हैं, और अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे। तो देखो, हम यहां पे लिखेंगे पुट टी इक्वल्स टू 1 by 1 plus x, 1 by 1 plus x से यहां पे t को रिप्लेस करना है। ये हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में देखो दोनों जो यहां पे रिलेशन है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस 1 एम प्लस एन यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। तो यहां पे 1 बाय 1 प्लस एक्स हमने इसी से लिया है, तो t की जगह हमें ये रिप्लेस करना है। और तो जाहिर सी बात है ये t की जगह ये आ जाएगा, लेकिन यहां पे 1 माइनस t है, तो 1 माइनस t की जगह क्या आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे 1 माइनस t भी आपको बता देते हैं। अगर 1 माइनस t करेंगे तो ये 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, 1 माइनस t यानी ही 1 माइनस, ये देखिए ये t का वैल्यू है वो हमने यहां लिख दिए। अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा होगा, 1 माइनस टी इक्वल्स टू, अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज ये इंटू ये, दैट इज 1 प्लस एक्स देन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। यहां पे 1 और 1 ये दोनों 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा। तो हम डायरेक्टली यहां पे ऐसा लिख लेंगे, देखो हम यहां पे 1 और 1 जो है यहां से हटा देते हैं। तो देखो यहां पे 1 माइनस टी का वैल्यू पता चल गया, ये है टी का वैल्यू, ठीक है, जो हमें रिप्लेस करना है। हमें यहां पे टी के जगह ये रिप्लेस करना है और 1 माइनस टी के जगह हमें ये रिप्लेस करना है। देखो 1 माइनस टी के जगह आएगा x बाय 1 प्लस एक्स इस तरह से। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे t को डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे दैट इज dt, और राइट साइड में यहां पे 1 बाय 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय दैट इज 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, देखो फार्मूला ऐसा है, दैट इज d बाय dx ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है। 1 बाय एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये ऐसा होगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हमने इसी का यहाँ पे यूज़ किया है, देखो ये 1 बाय एक्स के फॉर्म में है, तो 1 बाय एक्स के फॉर्म में है तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है इसको पूरा एज अ एक्स मान लो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो माइनस 1 बाय ब्रैकेट स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ओके। तो फाइनली ये हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लिए और हमें यहाँ पे डी टी का वैल्यू मिल गया। देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है, ये टी के जगह ये पुट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ये 1 माइनस टी के जगह ये पुट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो डी टी के जगह भी हम ये पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स।
लेकिन ये जो लिमिट है अब हमें लिमिट चेंज करना पड़ेगा, ये जो लिमिट है फ्रॉम 0 टू 1 ये t का लिमिट है, लेकिन अब हमें x का लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो x का लिमिट कैसे फाइंड आउट होता है, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, तो t का लोअर लिमिट 0 है। देखो क्या है, t का लोअर लिमिट 0 है और t का अपर लिमिट 1 है। तो जब t का लोअर लिमिट 0 है तो चलो देखते हैं x का लोअर लिमिट क्या होता है और फिर x का अपर लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे। तो t का लोअर लिमिट जब 0 है, इट मीन्स t का वैल्यू 0 यहाँ पुट करो, देखो यहाँ पे t के जगह 0 पुट करो। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा, 0 इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस एक्स। देखो हम आपको यहाँ साइड में बता देते हैं, 0 इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये 0 को इधर शिफ्ट करो और ये 1 प्लस एक्स को इधर शिफ्ट करो। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 इधर आ जाएगा तो ये 1 बाय 0 हो जाएगा, इट मीन्स 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 बाय 0 ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप इसका प्लेस चेंज करोगे तो ऐसा हो जाएगा 1 बाय 0, इट मीन्स इन्फिनिटी। तो हमें यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू इन्फिनिटी, इट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू हमें मिल गया इन्फिनिटी। तो लोअर लिमिट हमें मिल गया इन्फिनिटी। जब t का लोअर लिमिट 0 है तो x का लोअर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी। और अब जब t का लोअर, जब t का अपर लिमिट 1 है तो देखते हैं x का अपर लिमिट क्या होगा। तो t का ये जो वैल्यू है 1 वो यहाँ पुट करो। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो देखो यहाँ पे 1 पुट करने पर हम आपको इसी में बता देते हैं, ये 0 के जगह अब 1 आएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर लेके आओ ये इधर लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ 0 के जगह यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 बाय 1 तो ये हो जाएगा फिर से यहाँ पे 1। ओके, और अब ये 1 को उधर शिफ्ट करो तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर उधर 1 माइनस 1 आएगा तो वो हो जाएगा x का वैल्यू 0। तो फाइनली x का वैल्यू हमें मिलेगा 0। तो इस तरह से हमने लिमिट फाइंड आउट कर लिए, ये t का लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये x का लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो फाइनली अब हम यहाँ पे पूरी तरह से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, t को पूरी तरह से रिप्लेस करना है इन द फॉर्म ऑफ x। तो चलो रिप्लेसमेंट करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, बीटा फंक्शन ऑफ mn, तो ये हम लिखेंगे दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ mn। और राइट साइड में देखो क्या होगा, काफी लंबा इक्वेशन बनेगा, इंटीग्रल 0 टू 1 था तो ये हो जाएगा इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 ऐसा बन जाएगा। हमने कहा था ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट नीचे लिखो अपर लिमिट ऊपर लिखो। ओके, और t टू द पावर m माइनस 1 ऐसा है, तो t के जगह हमें ये पुट करना है, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाय दैट इज 1 प्लस x टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, देखो ये हमने लिखे हैं। ठीक है, इसका पावर क्या है, m माइनस 1 है, t के जगह हमें ये लिखना है 1 बाय 1 प्लस x। तो देखो t के जगह 1 बाय 1 प्लस x, लेकिन t का पावर m माइनस 1 है तो हमने यहाँ पावर लगा दिए m माइनस 1। ओके, और अब इन टू आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, 1 माइनस t टू द पावर n माइनस 1। 1 माइनस t माने क्या है, देखो 1 माइनस t माने x बाय 1 प्लस x है, तो यहाँ पे लिखो x बाय 1 प्लस x, लेकिन 1 प्लस x का पावर और x का पावर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों का पावर, ये 1 माइनस t का पावर क्या है n माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी x का पावर n माइनस 1 दे दो और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस x लिख के n माइनस 1 ऐसा लिख दो। ठीक है, और अब हम dt का वैल्यू पुट करेंगे, देखो अब क्या है इंटू dt, और dt को हमने यहाँ प्रूफ किए थे माइनस 1 बाय, तो हम लिखेंगे दैट इज माइनस ऊपर ले लेते हैं माइनस 1 बाय 1 प्लस x का स्क्योर ब्रैकेट का स्क्योर और यहाँ पे dx। इस तरह से ये हमने dt का वैल्यू यहाँ पे पूरी तरह से लिख दिए। तो देखो ये ऐसा इतना बड़ा इक्वेशन यहाँ पे बन गया, और अब हमें इसको सॉल्व करना है और ये पहला रिलेशन हमें प्रूफ करना है। चलो देखते हैं ये कैसे प्रूफ होता है। तो देखिए हमें जो यहाँ पे प्रूफ करना है, इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जबकि यहाँ पे इन्फिनिटी टू 0 है, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे, उसके लिए हम माइनस का यूज़ करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है, और यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे जो तीन फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों का जो पावर है वो अलग है। देखो इसका पावर m माइनस 1, इसका n माइनस 1, इसका 2, पावर अलग है लेकिन ब्रैकेट में देखो सेम है, इट मीन्स तीनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका पावर है वो ऐड हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे करेंगे, ये जो माइनस है ये माइनस बाहर ला लो, तो अगर आप ये माइनस बाहर लाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। माइनस का यूज़ करके ये लिमिट हम चेंज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे, फिलहाल जो है वो उसको ऐसे ही रहने दो। और अब देखो जैसा हमने कहा था डिनोमिनेटर में तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिए और पावर हमें ऐड करना है, इसका पावर m माइनस 1 तो लिखो m माइनस 1, इसका पावर n माइनस 1 तो हम लिखेंगे प्लस, जस्ट अ मिनट,
तो ये हम लिखेंगे प्लस एन माइनस वन, ठीक है, और इसका पावर टू है तो हम लिखेंगे प्लस टू इस तरह से। और ये dx जो है ये एज इट इज, देखो हमने वन प्लस एक्स और सभी का पावर देखो हमने यहां पे ऐड कर दिए, और अब न्यूमरेटर में क्या, तो न्यूमरेटर में एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन ये सिर्फ इतना बच गया। इट मीन्स जो हमें प्रूफ करना है उसका न्यूमरेटर हमें मिल गया, देखो हमें न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर में सिर्फ हमें अब पावर जो है वो सेट करना है, एम प्लस एन चाहिए, तो ये आसानी से हो जाएगा। देखो क्या है, ये टू है, ये माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन मतलब माइनस टू, तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, और क्या बचेगा, एम और एन बचेगा। तो अब हम यहाँ पे ये माइनस का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, माइनस हट गया, और एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स टू द पावर अब यहाँ पे रहेगा एम प्लस एन इंटू डी एक्स। देखो जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया, देखो हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमने यहाँ पे ला लिए, और लेफ्ट हैंड साइड है बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। तो फाइनली जो रिलेशन प्रूफ करने के लिए कहा था वो रिलेशन हमने प्रूफ कर लिए, और ये पहला रिलेशन प्रूफ हो गया। और अब सेकंड रिलेशन की बारी है, देखो हमने कहा था दो रिलेशन यहाँ पे प्रूफ करना है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों का न्यूमरेटर बस चेंज है, डिनोमिनेटर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वन प्लस एक्स इसमें भी है इसमें भी है, दोनों का पावर भी सेम है। तो चलो अब सेकंड रिलेशन की तरफ चलते हैं, सेकंड रिलेशन पूरा यहां पे हमें फिर से पूरा करने की जरूरत नहीं है, सेकंड रिलेशन के लिए सिर्फ आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो ये कि m और n ये इंटरचेंजेबल होते हैं। इसका क्या मतलब है चलो हम आपको बताते हैं, उसके लिए फिर से हम आपको बीटा फंक्शन का वही डेफिनेशन बताते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे। देखो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन हमने ऐसा बताए थे, दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ m n इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 इनटू 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 इनटू dx। ये हमने आपको बीटा फंक्शन का स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताए थे। इसी में एक रूल है कि m n n कैन बी इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंजेबल है, इट मींस m के जगह n लिख सकते हैं, n के जगह m लिख सकते हैं। जो अभी हमने ये जो पहला रिलेशन जो हमने प्रूफ किए हैं, ये पहला रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमने ये स्टैंडर्ड फार्मूला ये डेफिनेशन का यहां पे यूज किए थे, ये हमने इन द फॉर्म ऑफ t लिखे थे, ठीक है, और हमने ये रिलेशन ये पहला प्रूफ कर दिए। सेकंड के लिए हमें क्या करना है, m और n का प्लेस चेंज करना है, इट मींस उसको इंटरचेंज करना है, m के जगह n, देखो ऐसा ये जो m है m के जगह n आएगा और n के जगह m चले जाएगा, और फिर से अगर आप ये लेंगे और वो लेके अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा और ये सेकंड प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस m एंड n आर इंटरचेंजेबल, देयरफॉर बीटा फंक्शन ऑफ m n इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, अगेन यहाँ पे बस पावर चेंज करना है x टू द पावर m, यहाँ पे n माइनस वन था उसके जगह हम लिखेंगे m माइनस वन, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा वन प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। तो ये सेकंड रिलेशन भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिए। तो फाइनली सेकंड रिलेशन का प्रूफ पूरा लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो ये दोनों रिलेशंस आएंगे, तो दोनों में से आपको सिर्फ पहला रिलेशन का प्रूफ आपको पूरी तरह से लिखना है, फिर आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, और जो सेकंड रिलेशन है वो आपको डायरेक्टली ऐसा लिख देना है, और ये प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो फाइनली क्वेश्चन में जो दो रिलेशंस प्रूफ करने के लिए दिए थे वो दोनों रिलेशंस हमने यहाँ प्रूफ कर लिए, और प्रॉब्लम यहीं पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ये रिलेशंस की प्रैक्टिस आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर कर लेना चाहिए। ये था आज का इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 22। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।